रावधपुर चहत सिधाए विदा हो न हम यहाँ पठाए। राम जी ये नहीं बोले कि पिताजी वापस जाना चाहते हैं, क्या बोले, क्या बोले, राव, राव यानी राजा। राम जी कहना चाहते हैं महाराज पिताजी जाना नहीं चाहते, परंतु अयोध्या के सिंहासन पर जो महाराज बैठे हैं वो महाराज जाना चाहते हैं। क्यों? महाराज का कर्तव्य उनको जाने के लिए बाध्य कर रहा है, इसलिए महाराज यहां से जाना चाहते हैं। आपसे विदा लेने के लिए हमको भेजा है पिताश्री ने मां। और हम एक बात कहें, समाज की दृष्टि में राम आपका दामाद है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मां, आप मुझे दामाद मत मानिएगा, आप राम को अपना पुत्र मानिएगा। क्यों? दामाद को जीव भले भूल भी जाता है लेकिन अपनी संतान को जीव कभी नहीं भूलता है। मां मैं चाहता हूं जैसे आप सीता को हमेशा याद करती रहेंगी, उसी प्रकार अपने पुत्र राम को भी याद करते रहिएगा, इसलिए आप मुझे अपना पुत्र मानिएगा। बालक जानी करब नित ने हो, अपना बालक समझिएगा। भगवान ने जैसी ये बात कही, सुनैना जी मेरी माँ जानकी के सौभाग्य को देखकर उनको हृदय लगा ली और सीता जी के हाथ को पकड़कर सुनैना जी ने रघुनाथ जी के हाथ में समर्पित किया है। बाबा कहते हैं करिबिनय सिया राम ही समर्पी जो कर पूनी पूनी कहे बलि जाऊं सात सुजान तुम कहु विदित गति सब की प्रिय सिय जानबे तुलसी ससील सने हलखी निज किंकरी करी मानबे तुलसी ससील सने हलखी निज सुनैना जी ने सीता मैया का हाथ रघुनाथ जी के हाथ में दिया और बार बार कहती रघुनाथ जी आपके विनयता पर विनम्रता पर मैं बार बार बलि जाऊं। हाथ जोड़कर कहा राम आप तो भगवान है ना, आप मेरे महाराज के मेरे परिवार के मेरे पुरजन सबके मन की बात को जानते हैं। राम आप ये मत जानिएगा कि सीता मेरी बेटी हैं, आप ये समझिएगा कि सीता मेरी प्राण है और मैं अपने प्राण को निकाल कर आपको दे रही हूं। राम जी बार बार सासु मैया के चरणों में भाइयों के साथ प्रणाम करते हैं। कहीं जाइए तो विनम्र रहिए, क्षमा करिएगा। कई आदमी हमने देखा है, हमारी जान पहचान में कई लोग हैं, अपने घरे भले बिल्ली बन के रहते हो, भीगी बिल्ली, और जहां ससुराल पहुंचे आग का गोला बन जाते हैं। मन ससुराल पहुंचते न जाने ही कहां से परिवर्तन होता है, है? पूरा ससुराल थर थर कांपता है कि आ गई दमदवा खटखटवा,
एक घर में हम विवाह में गए थे, आपको निवेदन करूं, तो गांव के घर में दरवाजा रहता है, दरवाजे के भीतर दोनों तरफ एक एक कोठरी रहती है। तो जाके बरामदे में मैं बैठा तो बगल के कोठरी में ताला लगा हुआ था, तो जो आवे गेटवा पर कान लगा के और फिर भीतर जाए। तो जब चार पांच लोगों को मैंने देखा कान लगाते दरवाजे पर भीतर जाते, मैंने पूछा भाई कि ऐसा क्या है इस गेट के भीतर कि जो आ रहा है कान लगा के भीतर जा रहा है। तो एक ने कहा महाराज घर के बौर दमाद ही में बौर बंद कर बड़न, ये घर के जो सबसे बड़का दमाद हैं रात भर का भोजन पानी दे के भीतर डाल के ताला मार दिया गई बाका है, वो यदि बाहर निकल जिये तो ब्याह ना हो पाई, इतना विनम्र हमन। ये कौन जीवन है वो, याद रखिएगा इस बात का सदैव प्रयास करिए कि समाज में हमारी चर्चा हमारी उदंडता को लेकर ना हो, समाज में हमारी चर्चा हमारी विनम्रता को लेकर हो। लोग हमारे विषय में बात करें तो हमारी विनम्रता की चर्चा करें। राम जी यहां पर बार बार भाइयों के साथ राम विदा मांगत कर जोरे अकीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। बार बार रघुनाथ जी प्रणाम करते हैं। विदा का समय आया, माताओं ने चारों बेटियों को दुल्हन के रूप में सजाया और लगी उपदेश करने कैसे ससुराल में जाके रहना है। हमारे बलिया के एक बड़े अद्भुत कवि हैं पंडित तारकेश्वर मिश्र राही, राही चाचा गीतकार हैं, उनके कई गीत हम लोग गाते हैं। एक गीत उन्होंने मेरे पूज्य महाराज श्री को लिख कर दिया और इस गीत को मेरे महाराज जी ही गाते हैं। हम आज दूसरी या तीसरी बार आज गा रहे होंगे, 13 सालों में हम नहीं गाते इस गीत को। माताएं बेटियों से कहती हैं कि ससुराल में जाकर कैसे रहना। बेटी ससुरे में रही है तू चान बनके, बेटी ससुरे में रही है तू चान बनके, सबकी पुत्री के बीचवा परान बनके, सबकी पुत्री के बीचवा परान बनके, बेटी ससुरे में रही तू चान बनके, बेटी ससुरे रही तू चान बनके। क्या करना, सासु के निस दिन चरण दबई हा, सासु के निस दिन चरण दबई हा, बिटिया सबसे पाछे खई हा, बिटिया सबसे पाछे खई हा, ससुर के बाजे जब खुआ पानी दीहा धोवे पौआ, ससुर के बाजे जब खुआ पानी दीहा धोवे पौआ, रही हा अगहन पूस महीनवा के बिहान बनके, रही अगहन पूस महीनवा के बिहान बनके,
रे में रही है तू चांद बनिचे सांझी का तनिको समय जो पईहा सांझी का तनिको समय जो पईहा छोट हर लड़िकन के पढ़ई हा छोट हर लड़िकन के पढ़ई हा बिटिया सत्संग में मन लई हा बिटिया सत्संग में मन लई हा जो के हुए के आहट पईहा मुखड़ा घूंघट में छिपईहा जो के हुए के आहट पईहा मुखड़ा घूंघट में छिपईहा रही हा घर में हीरा मोती के दुकान बहन के रही घर में हीरा मोती के दुकान बहन के बेटी ससुरे में रही तू चान बहन के बेटी ससुरे में रही तू जान बन के बाबूजी बोले इज्जत पगड़ी के जो गई है इज्जत पगड़ी के जो गई है घर से पहरा कबहू न जई है घर से पहरा कबहू न जई है तोहरे कारण घर बताई तजनिहा जियती ना बमाई तोहरे कारण घर बताई तजनिहा जियती ना बमाई ऐसन जन करिहा के ओ रहन आवे बाण बन के ऐसन जन करिहा के ओ रहन आवे बाण बन के बेटी ससुरे में रही तू चान सुनल जाए तोहर बड़ाई सुनल जाए तोहर बड़ाई हिया जाए तब फुलाई हिया जाए तब फुलाई ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिनु लागे अनहार ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिनु लागे अनहार सबकी ओठे रही है गीता और पुराण बन के सबके ओठे रही है राही के दुकान बन के सबकी पुतरी के बिचवा परान बन के सबकी पुतरी के बिचवा परान बन के बेटी ससुरे में रही तू चांद बन के बेटी ससुरे में रही तू चांद बन के बेटी ससुरे में रही तू चांद बन के ऐसन करिहा सबसे प्यार कि तोहरा बिन लागे
ससुरे में रही है तू चार बनी के। माताओं ने व्यवहार का शिक्षण दिया है। ऐ अब चारों बेटियां दुल्हन के रूप में तैयार हो के माई बाप जब चली है ना, ऐसा लगा मानो मिथिला में करुणा ने आकर डेरा डाल दिया। जो जहां है वही बिलाप करने लगा। और मनुष्य की छोड़िए, अश्वशाले में अश्व रोने लगे, गौशाले में गौ माताएं रोने लगी, सोने के पिजड़े में सीता जी ने तोता मैना को पाला था। जब किशोरी मैया जाने लगी ना, तो तोता मैना जोर जोर से कहने लगे, हमें सोने के पास नहीं रहना है, हमें अपनी किशोरी के पास रहना है, हमको पिजड़े से बाहर निकालो। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज विदा मांगे, जनक जी सुने, जनक जी ने जानकी जी को जाते देखा। जनक जी विरक्त महापुरुष हैं, वैरागी हैं, राग से परे हैं। राग और अनुराग दोनों सीमाओं को जब पार कर लिए तब वैराग में पहुंचे हैं। लेकिन आज जब जनक जी ने जानकी जी को जाते देखा ना, अपना सारा धैर्य खो दिया और दौड़कर किशोरी मैया को हृदय से लगाकर, और महाराज जनक बहुत रोए यहां। और याद रखिएगा, यहां पर जनक जी इसलिए नहीं रो रहे हैं कि सीता जी जा रही हैं। जिस दिन सीता मैया ने अपने बाएं हाथ से शिव जी के धनुष को उठा लिया था, लेपन कर रही थी ना मां भैया, लेपन कर रही थी, तो शिव जी के धनुष को सीता जी ने बाएं हाथ से उठाया और नीचे धरती पर लेपन किया। जब जनक जी महाराज देखे कि मेरी बेटी ने बाएं हाथ से शिव के पिनाक को उठा लिया, तो महाराज जन्म समझ गए कि मेरी सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, ये मेरे जीवन की शक्ति है और यही मेरे जीवन की भक्ति है, ये भक्ति है मेरी। और महाराज उसी दिन समझ गए, यदि मेरे घर में भक्ति ने जन्म ले लिया है तो भक्ति का वर्णन करने के लिए भगवान अवश्य एक दिन आएंगे यहां पर। बिना भगवान को छोड़कर कोई भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि भक्ति ने धनुष को उठाया है तो भगवान भी धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। इसलिए महाराज ने पिनाक को केंद्र में रखा कि भगवान को छोड़कर दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, और जो उठाएगा वो भगवान होगा, उसी से मैं भक्ति का विवाह करूंगा। महाराज इसलिए रो रहे हैं कि जिस भक्ति ने जनक जी को भगवान का दर्शन कराया था, आज जनक जी के जीवन से वो भक्ति निकल के जा रही है। महाराज इसलिए रो रहे हैं, बहुत रोए महाराज। सचिवों ने खूब समझाया, सुंदर चार पालकियों को मंगाकर, बेटियों को उपदेश देकर महाराज ने पालकी में बिठाया है। इधर चक्रवर्ती जी महाराज इतना जितना दाइज मिला था उन सभी दाइजों को लगे बांटने, कहां अयोध्या में आके नहीं, मिथिला में ही। जीवन में देने का स्वभाव बना रहेगा तभी मिलता भी रहेगा, जिसके जीवन में देने का स्वभाव है नहीं है उसको प्राप्त भी नहीं होने वाला, इस बात को गांठ बांध दिए। महाराज लगे देने, याचकों को बुलाकर दान दिए, ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिए, गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके बारात को लेकर चले। जनक जी महाराज बारात को पहुंचाने के लिए चले, बहुत दूर गए। बार बार दशरथ जी मना करते हैं, जनक जी वापस लौटिए। जनक जी थोड़ी दूर वापस लौटते हैं लेकिन फिर मुड़ के चले जाते हैं। अंत में दशरथ जी महाराज रथ से उतरे, जनक जी भी रथ से उतरे, दोनों महापुरुष आमने सामने आए। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु दशरथ जी, करऊं कवन विधि विनय बनाए महाराज मोहि दीन्हा बड़ा।
जनक जी हाथ जोड़कर दशरथ जी से बोले, महाराज मैं बना करके आपसे नहीं बोल रहा हूं, महाराज आज जनक को अपना संबंधी बनाकर आपने इस छोटे से जनक को भी बड़ा बना दिया है, आपने मुझे बहुत बड़ा बना दिया महाराज। दशरथ जी बोले, आप मैंने आपको बड़ा नहीं बनाया है, आपने अपनी बेटियों को दिया है, मैंने आपके बेटियों को लिया है जनक जी, और जगत जानता है कि लेने वाले से सदैव देने वाला बड़ा रहता है, आप पहले से बड़े हैं। और याद रखिएगा, बड़ा वही है जो किसी को अपने से छोटा ना समझे। बड़प्पन का पहला सिद्धांत है, जो सबके भीतर बड़प्पन देख रहा है वो बड़ा आदमी है। परस्पर जनक जी और दशरथ जी महाराज एक दूसरे को बढ़ाई दे रहे हैं। चक्रवर्ती जी ने राम जी से कहा, पिताजी को प्रणाम करिए, आप लोग विदा लेकर जाएंगे। भाइयों के साथ रघुनाथ जी ने जनक जी को प्रणाम किया है, अब दर्शन करिए। जब राम जी सभी भाई प्रणाम कर लिए ना, तो जनक जी दशरथ जी से पूछे कि मैं राम जी से कुछ बात कर सकता हूं। दशरथ जी बोले, करिए। अब जनक जी महाराज राम जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ऐसे राम जी बोले, ऐसे क्यों खड़े हैं पिताश्री? जनक जी बोले, नहीं, आज एक ससुर अपने दामाद के सामने नहीं खड़ा है राम, आज एक भक्त अपने भगवान के सामने खड़ा है, आप भगवान है, मैं भक्त बनकर आपके सामने खड़ा हूं और आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, प्रभु आप क्या देंगे मुझे? रघुनाथ जी बोले, यदि भगवान मान के बोल रहे हैं तो कहिए क्या चाहिए। तो जनक जी ने कहा, प्रभु एक ही वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके श्री चरणों को छोड़कर संसार में कहीं न भटके, प्रभु मेरा मन दिन रात आपके चरणों में ही लगा रहे, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने जनक जी को ये वरदान दिया है। बरात को लेकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज अयोध्या आए, माताओं ने भव्य स्वागत किया है, क्या अद्भुत स्वागत हुआ बेटों का, बहुओं का। सभी बराती चक्रवर्ती जी से विदा ले लेकर अपने अपने घर की ओर गए। रात्रि में श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने मुख से जनक जी की प्रशंसा करके अपने रानियों को सुना रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जनक राज गुण शील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। जनक जी के गुण को, उनकी शीलता को, उनकी बड़ाई, उनकी प्रेम करने की रीत, उनकी संपत्ति, इन सब के बारे में बहु विधि भूप भाट जिमी बरनी। अनेक प्रकार से महाराज भांट की तरह बिरदावली गाते। भांट समझते हैं, घर में शादी ब्याह हो तो जयकारा लगाने वाले भांट आते हैं, खूब जोर जोर से जयकारा लगाते हैं। जैसे भांट किसी की बिरदावली गाते हैं, दशरथ जी महाराज जनक जी की बिरदावली गाने लगे। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। कहीं भी जाकर आइए तो प्रयास करिए जितना हो सके वहां की अच्छाई की चर्चा की जाए, कमी कहां नहीं है, वो अपने घर में कमी नहीं है का? लेकिन मनुष्य का स्वभाव, अपने घर में भले 10 बजे तक भोजन न मिलता हो दिन में, कहीं जाएगा हितई में तो 5 बजे बरस करके बैठ जाएगा, लिया हम खाई, जन्म जन्म के भूखड़ आदमी है, ये कौन स्वभाव है हो? कहीं भी जाइए तो उसके लिए समस्या न बनिए माई बाप, बनना है तो उसकी समस्या का समाधान बन जाइए, वो आनंद में आ जाएगा।
प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। यहां दशरथ जी ने खूब प्रशंसा की, साथ में सारे बच्चे भी हैं, बहुएं भी हैं। महाराज ने रानियों से एक बात कही, देखिए ये जो बहुएं हैं ना, अभी लड़िका हैं। बहु लड़िकनी पर घर से आई। महाराज कहते हैं कि ये बहुएं अब तक पराए घर में थीं, आज के बाद ये इनका अपना घर है, पर घर से आई हैं। जिस प्रकार पलके आंख की रक्षा करती हैं, उस प्रकार आप बहुओं की रक्षा करिए। आप देखिए पलकों में कोई जानवर नहीं है, कोई हड्डी उड्डी कुछ नहीं है, कितने कोमल अंग हैं, लेकिन आंख को बचाने के लिए पलकें सदैव तत्पर रहती हैं। तनिक भी कोई खतरे का अंदेशा हो, पलके आंखों को मूंद लेती हैं, मूंदती है ना। माताएं कहती हैं, महाराज कहते हैं, जैसे पलके आंखों की रक्षा करती हैं, बहुएं अभी लड़िका हैं, इनको बोध नहीं है। आप माताएं मिलकर बहुओं की रक्षा करिएगा। इसी बीच भाई सभी लोग छोटे छोटे हैं अभी, बच्चे बहुएं, उसी में किसी ने जम्हाई ली। जम्हाई समझते हैं ना, बाबूजी की बात सब सुन रहे हैं, लेकिन संस्कार ऐसा है कि बाबूजी से बोल नहीं सकते कि बाबूजी नींद आ रही है, सोने जाना है। जम्हाई ले रहे हैं लेकिन बैठे हैं। महाराज ने देखा, रानियों से बोले, लड़िका श्रमित है, बच्चे थक गए हैं यात्रा से, नींद में है, जम्हाई ले रहे हैं, आप लोग शयन करावहु, जाकर इनको सुलाइए। अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चित ला। इतना कह के रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके महाराज स्वयं सोने गए। चारों बहुएं माताओं के पास रहीं। राम जी सभी भाई दूसरे कक्ष में गए विश्राम करने। कौशल्या मैया राम जी के पास गई, जाकर राम जी के हाथ को देखने लगी, बोली, राम इसी हाथ से तुम तारका को मारे हो है? इतने सुकुमार हो राम, कैसे कर लिए तो? देखिए संतान कितना भी बलशाली हो जाए, मां की दृष्टि में कमजोर ही रहता है वो है। अरे मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुमन सरिस सब अंग अंग पर, सुमन सरिस सब सभी अंगों पर पुष्प जैसा अंग पर, कोमलता बलिहार निहार जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बार बार। निरखत प्रभु बहिया, बार बार निरखत प्रभु बहिया, बार बार निरखत प्रभु बहिया, बार बार निरखत प्रभु बहिया। मन आचरज अपार, मेरो लाला बड़ो सुकुमार।
कैसे लिए उठाई शंभु धनु, 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 झेले इतना भार प्रबल ताड़ का और सुबाहु, 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 कैसे कियो संहार धनुष कैठे उठा लिए, कैसे ताड़का सुबाहु को मार दिए, कैसे हुआ मां अंदाजा लगाती है कैसे हुआ। जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, 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 हो गयो संकट